वेलकम टू माय चैनल सीमांस फूड स्टेशन। आज हम बनाने जा रहे हैं मल्टी कलर होली स्पेशल गुजिया, जिसे हम पिड़िकिया भी कहते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम गुजिया का डो तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बाउल में लेंगे हम 300 ग्राम मैदा और इसमें ऐड करेंगे हम 2 बड़ा चम्मच घी। आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी से मोइन अच्छा आता है। घी को अच्छे से मैदा में ऐड करने के बाद हम अच्छे से घी को मैदा में मिला लेंगे। धीरे धीरे इस तरह से मैदा होल्ड होने लगेगा। जब अच्छे से होल्ड होने लगेगा बिल्कुल इस तरह से, तब हम मोइन देना छोड़ देंगे। मोइन देने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सेमी हार्ड डो तैयार करेंगे। एक बार में हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैदा को हम अच्छे से गूँथेंगे। आप केवल आटा से भी बना सकते हैं या आधा आटा आधा मैदा भी यूज कर सकते हैं। हमें इस तरह से हाथ से मसलते हुए एक चिकना डो तैयार करना है। यहाँ पर हमने अच्छे से मसल के चिकना डो तैयार कर लिया है। अब इसे हम ढक के आधा घंटा रेस्ट के लिए रखेंगे। जब तक हम डो को रेस्ट के लिए रखें, तब तक हम गुजिया की स्टफिंग बना ले रहे हैं। जिसके लिए एक पैन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम 1 बड़ा चम्मच घी और घी को अच्छे से मेल्ट करेंगे। घी के मेल्ट हो जाने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे हम 200 ml दूध, जो कोई भी नॉर्मल दूध हो सकता है। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम या फिर घर की दूध की मलाई, जो हम रेगुलर दूध यूज करते हैं। मैं यहाँ पे घर की दूध की मलाई यूज़ कर रही हूँ। और अब हम मलाई को इस तरह से दूध में अच्छे से मिला लेंगे, ताकि मलाई अच्छे से दूध में मिल जाए। मलाई को दूध में अच्छे से मिलाने के बाद हम दूध को एक बार उबाल लेंगे। जब दूध एक बार उबल जाए, तब इसमें ऐड करेंगे हम जितना हम दूध यूज़ कर रहे हैं उतना ही मिल्क पाउडर, या उससे हम थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। और इसे भी इस तरह से मिलाएंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हम लगातार इस तरह से चलाते हुए मिल्क पाउडर को दूध में मिलाएंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर हाई रखेंगे और लगातार हम चलाते रहेंगे। मिल्क पाउडर को दूध में मिलाते हुए हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि दूध में किसी तरह का कोई गुठली नहीं रहे। अगर कहीं गुठली है तो हम उसे दबा के अच्छे से दूध में मिला देंगे इस तरह से, और लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं दूध धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। आप इसकी जगह मार्केट का मावा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है तुरंत मावा बनाने का। मिल्क पाउडर के कारण दूध अच्छे से गाढ़ा हो रहा है और घी के कारण अच्छी चिकनाई मावा में आ रही है। अगर हम लगातार नहीं चलाएंगे तो मिल्क पाउडर नीचे से जल जाएगा और मावा का स्वाद खराब हो जाएगा। इसलिए हम लगातार चलाते हुए मावा तैयार करेंगे। 200 ग्राम दूध और 200 ग्राम मिल्क पाउडर से हम 5 मिनट में मावा तैयार करेंगे। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मावा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसे हम किसी बाउल में निकाल लें। इंस्टेंट मावा जिसे अभी हमने बनाया है, उसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम ठंडा करेंगे। और अब हम उसी पैन को फिर से लेंगे और इसे हम गरम करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम नारियल का बुरादा। मैं यहाँ नारियल का बुरादा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश नारियल को घस के भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप केवल मावा से भी बना सकते हैं। और इस तरह से हम इसे मिलाएंगे। नारियल के बुरादा को हम लो फ्लेम पे 2 मिनट भूनेंगे। ये बहुत तेज़ी में जलता है, इसलिए हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। 2 मिनट में अच्छे से ये तैयार हो चुका है। अब इसे हम उसी मावा वाले बाउल में निकाल लेंगे इस तरह से। नारियल के बुरादा ऐड करने के बाद इस तरह से हम मावा के साथ उसे अच्छे से मिला लेंगे। मावा अच्छा ठंडा होना चाहिए। और इस तरह से चारों तरफ से हम मिलाते हुए अच्छे से मावा और नारियल के बुरादा को हम मिलाएंगे। आप देख सकते हैं मावा में हम नारियल को अच्छे से मिला लिए हैं। और अब हम चलते हैं बाकी चीज़ें इसमें ऐड करने के लिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हम 8 से 10 पीस
किशमिश, और साथ ही ऐड करेंगे हम यहाँ पर काजू और बादाम का क्रश किया हुआ पाउडर, जिसे हमने मिक्सी में अच्छे से क्रश कर लिया है। आप अपने इच्छा अनुसार इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ 4 बड़े चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हम 100 ग्राम पाउडर शुगर, और इन सभी को पाउडर शुगर, ड्राई फ्रूट्स, इन सभी को हम इस तरह से मावा और नारियल के बुरादा में अच्छे से मिलाएंगे, बिल्कुल इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाकर स्टफिंग को तैयार कर लिए हैं, और इसे हम साइड में रखते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। आधे घंटे बाद एक बार हम डो को चेक करेंगे और इस तरह हाथ की सहायता से इसे अच्छे से चिकना करेंगे मसलते हुए इसी तरह से। और अब हम डो को इस तरह से चिकना करते हुए इसका एक रोल बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब इस रोल को हम इस तरह से चाकू की सहायता से बड़ी सी लोई के बराबर पार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे 4 पार्ट की हूँ, आप देख सकते हैं ये बड़ी सी लोई के बराबर है। और अब हम एक बड़ी सी लोई लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम येलो कलर, ये फूड कलर है, और इसे हम इस तरह से हाथ की सहायता से अच्छे से कलर को लोई में मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कलर को हमने अच्छे से लोई में मिला लिया है, और अब ये लोई येलो कलर का हो चुका है। और अब हम इसे साइड में रखेंगे और फिर से हम एक लोई लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्रीन कलर का फूड कलर, और इसे भी हम हाथ की सहायता से इस तरह से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं ये लोई भी अच्छे से ग्रीन कलर का हो चुका है, इसे भी हम साइड में रखेंगे और फिर से हम दूसरा लोई लेंगे और इसके अंदर हम फिर से ऐड करेंगे रेड कलर का फूड कलर, और इसे भी हाथ की सहायता से हम अच्छे से मिलाकर रेड कलर करेंगे। आप देख सकते हैं ये लोई भी कलर मिलाने के कारण अच्छे से रेड कलर का हो चुका है, और इसे हम साइड में रखेंगे। आप देख सकते हैं हम यहाँ 4 कलर का लोई तैयार किए हैं। आप 2 कलर के लोई से भी बना सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओरिजिनल मैदे के कलर वाली लोई को इस तरह लेंगे और एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे। बड़ी सी रोटी बेलने के बाद अब हम इसे साइड में रखेंगे, और अब हम ग्रीन कलर की लोई लेंगे और इसकी भी हम बड़ी सी रोटी बेलेंगे। ग्रीन कलर की भी बड़ी सी रोटी बेलने के बाद इसे हम साइड में रखेंगे, और अब हम रेड कलर की लोई लेंगे और इसकी भी एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे। रेड कलर की बड़ी सी रोटी बेलने के बाद इसे भी हम साइड में रखेंगे, और अब हम लास्ट का येलो कलर लेंगे और इसकी भी हम एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे, और अब हम इस येलो कलर की रोटी को भी साइड में रखेंगे। और अब हम सबसे पहले मैदे की कलर की इस तरह से रोटी लेंगे और इसके ऊपर हम चारों तरफ अच्छे से पानी लगाएंगे। यहाँ पर हम कोई घी बटर नहीं लगाएंगे, रिफाइंड नहीं लगाएंगे, कोई मैदे की घोल नहीं लगाएंगे, केवल पानी लगाएंगे इस तरह से चारों तरफ से। और अब इसके ऊपर हम ग्रीन कलर की रोटी इस तरह से रखेंगे और हाथ से दबा देंगे, और ग्रीन कलर की रोटी के ऊपर भी हम इस तरह से चारों तरफ अच्छे से पानी लगाएंगे, कोई भी जगह छूटना नहीं चाहिए, इस तरह से अच्छे से लगाएंगे। और अब इसके ऊपर हम रेड कलर की रोटी रखेंगे इस तरह से, और इसे भी हम दबा देंगे, और अब इसके ऊपर हम फिर से पानी चारों तरफ लगाएंगे, इस तरह से चारों तरफ अच्छे से पानी लगाएंगे, और इसके ऊपर हम येलो कलर की रोटी रखेंगे इस तरह से, और इसे भी दबा देंगे। और अब हम रोटी को इस तरह से अच्छे से बेलेंगे चारों तरफ घुमाते हुए, बिल्कुल इसी तरह से, ताकि पानी की सहायता से जो हम रोटी को एक दूसरे में चिपकाए हैं सो अच्छे से रोटी एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाए। और अब इस बड़ी सी रोटी पर हम इस तरह से चारों तरफ फिर से पानी लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से चारों तरफ बराबर से हम पानी लगाएंगे, कोई जगह छूटना नहीं चाहिए।
और पानी लगाने के बाद अब एक साइड से हम इस तरह से रोल करेंगे, अच्छे से दबाते हुए बिल्कुल टाइट रोल करेंगे, इस तरह से रोल करेंगे, दबाएंगे और फिर इस तरह से रोल करेंगे बिल्कुल टाइट हाथ से। इसी तरह से रोल करने के बाद एक बार फिर से हम इस तरह से घुमाते हुए अच्छे से रोल कर लेंगे ताकि सब अच्छे से चिपक जाए। रोल करने के बाद अब हम नाइफ़ की सहायता से इस तरह से हम कट करेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। इसी तरह से हम सारी लोई कट कर लेंगे, ज़्यादा मोटी नहीं, ज़्यादा पतली नहीं, बिल्कुल पूड़ी की साइज़ की हम सारी लोई कट करेंगे इसी तरह से। सारी लोई कट करने के बाद इस तरह से हम एक प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पर हम सारे लोई को कट करके एक प्लेट में रख लिए हैं और अब एक कॉटन कपड़ा लेंगे, उसे गीला करके निचोड़ के इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे ताकि लोई सूखे नहीं। और अब हम एक लोई लेंगे, उसे इस तरह से प्रेस करेंगे और इसे हम इस तरह से पूड़ी के आकार का बेल लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं। पूड़ी के आकार बेलने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से चारों तरफ पानी लगाएंगे। चारों तरफ अच्छे से पानी लगाने के बाद अब हम इसके सेंटर में इस तरह से स्टफिंग जो हम पहले बनाए थे उसे हम रखेंगे और अब एक किनारे से हम इस तरह से उठा के दूसरे किनारे पर इस तरह से बंद करेंगे और प्रेस करेंगे। इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे, अगर अच्छे से प्रेस नहीं करेंगे तो तेल में जाके ये खुल जाएगा, इसलिए हम अच्छे से प्रेस करेंगे। और अब एक साइड से इस तरह से हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे, इसे हम प्रेस करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं, फिर से एक बार देखिए, इसे प्रेस करेंगे फिर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये बहुत आसान है, एक दो पिड़िकियाँ बनाने के बाद आप आसानी से इसे बना सकते हैं। इसी तरह हम प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं पिड़िकियाँ अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। आप फिर से एक बार देख लें, एक लोई लेंगे और उसे हम इस तरह से पूड़ी के आकार के अच्छे से बेल लेंगे। पूड़ी के आकार के बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर चारों तरफ से अच्छे से पानी लगाएंगे, बिल्कुल बराबर से चारों तरफ पानी लगाने के बाद अब हम इसके बीच में स्टफिंग रखेंगे इस तरह से। बस ध्यान देके स्टफिंग रखेंगे ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। इसे बीच में इस तरह से सेट करेंगे और एक किनारे पकड़ के हम दूसरे किनारे पर इस तरह से सेट करेंगे और प्रेस करेंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि खुले नहीं ये। और किनारे से इस तरह से इसका फिर से डिज़ाइन बनाएंगे, प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे। बस प्रेस और फोल्ड याद आप रखें, प्रेस करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसी तरह हम सारे पिड़िकियाँ बना लेंगे। ये बहुत आसान है बनाना, अगर आप हाथ से नहीं बना सकते हैं तो फिर आप मशीन से बना सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं अच्छे से बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सारे पिड़िकियाँ बना के तैयार कर लिए हैं और अब इसे हम कॉटन के कपड़ा को गीला करके निचोड़ के ढक देंगे ताकि तलने के पहले ये सूखे नहीं। अगर आप कलरफुल पिड़िकियाँ नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मैदे की डो की एक लोई लें और उसे इस तरह से पूड़ी के आकार की बेल लें, जैसे हम नॉर्मल पूड़ी बेलते हैं वैसे ही, जो ज़्यादा ना मोटी होगी ना पतली होगी, उसे हम इस तरह से बेल लेंगे। और अब इसके ऊपर हम चारों तरफ अच्छे से पानी लगा देंगे जिस तरह बाकी पिड़िकियाँ में हम लगाए हैं। पानी लगाने के बाद फिर इसके सेंटर में हम इस तरह से स्टफिंग रखेंगे और इसे भी हम एक किनारे से उठा के दूसरे किनारे पर इस तरह से रख के प्रेस करेंगे, अच्छे से इसे प्रेस कर लेंगे इस तरह से। और अब हम किनारे से इसका भी उसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे, प्रेस करेंगे और फोल्ड करेंगे। इसी तरह से प्रेस फोल्ड करके ये पिड़िकियाँ भी हम अच्छे से तैयार कर लेंगे इसी तरह से। और अब हम पिड़िकिया को फ्राई करने के लिए कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में ऐड करेंगे हम रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ घी भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो पसंद है तेल वो ऐड करें। और अब हम तेल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। तेल हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्का गरम चाहिए।
तो इसलिए अब एक बार हम इस तरह से तेल को चेक कर लेंगे, हमें जैसा चाहिए वैसा तेल गर्म है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम पिड़किया, इस तरह से आप देख रहे हैं बुलबुला बहुत कम निकल रहा है, यानी कि तेल बहुत थोड़ा गर्म है। थोड़ा गर्म तेल में ही हम इस तरह से सारी पिड़किया को ऐड कर देंगे। पिड़किया को हम तेल में ऐड करने के तुरंत बाद टच नहीं करेंगे, धीरे धीरे पिड़किया तेल में पकने के बाद खुद ही ऊपर आने लगेगा। आप यहाँ देख सकते हैं धीरे धीरे पिड़किया पकने लगा है। यहाँ पर सारे पिड़किया ऊपर आ चुका है और अब हम चम्मच की सहायता से इस तरह से इसे हम पलट लेंगे। एक एक कर सारे पिड़किया को हम पलटेंगे, दूसरे साइड से भी हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। सारे पिड़किया को हम दोनों साइड से अच्छे से पलट लेंगे। दोनों साइड से पलटकर फ्राई करने के बाद हम इस तरह से पिड़किया को बाहर निकाल लेंगे और एक प्लेट में रखेंगे। सारे पिड़किया को हम इसी तरह से बाहर निकाल लेंगे और एक प्लेट में रखेंगे। इसी तरह हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, तो आप पहला बैच निकालने के बाद गैस के फ्लेम को लो कीजिएगा और तेल को थोड़ा ठंडा कीजिएगा, उसके बाद इसमें दूसरे बैच का पिड़किया ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ सारा पिड़किया ऐड करने के बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दी हूँ और इसी तरह हम सारे पिड़किया को अच्छे से दोनों साइड से फ्राई करके निकाल लेंगे। यहाँ पर हम सारे पिड़किया को फ्राई करके निकाल लिए और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम चाशनी बनाने के लिए एक पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम एक कटोरी चीनी, जो लगभग 300 ग्राम है। और अगर आप चाशनी में ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्राई करके भी पिड़किया यूज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी होता है। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हम एक कटोरी पानी और इसे हम इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे। चीनी को लगातार चलाते हुए हम मेल्ट करेंगे इस तरह से। इस स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। धीरे धीरे आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो रहा है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम आधा चम्मच इलायची पाउडर, ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो ऐड करें, नहीं तो आप ऐड नहीं भी कर सकते हैं। और साथ ही ऐड करेंगे हम केसर के कुछ धागे इस तरह से। और अब इसके बाद से हम एक मिनट और पकाएंगे। और अब हम एक बार चाशनी को चेक कर लेंगे इस तरह से। हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें ऐसी चिपचिपी चाशनी चाहिए जिसे कि आधी तार बन जाए, क्योंकि ये चाशनी पिड़किया के ऊपर अच्छे से कोट होगी। और अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इस गर्म चाशनी के अंदर इस तरह से पिड़किया ऐड करेंगे। धीरे धीरे एक एक करके हम सारे पिड़किया जितना इसमें अट सकता है उतना ऐड करेंगे। और अब हम चाशनी के अंदर 5 मिनट पिड़किया को रखेंगे और चम्मच की सहायता से इस तरह से पिड़किया को हम धीरे धीरे पलटेंगे। चाशनी चूँकि गर्म है, इसलिए हम धीरे धीरे आराम से सारे पिड़किया को चाशनी के अंदर पलट लेंगे, ताकि पिड़किया के ऊपर अच्छे से चाशनी का कोट हो जाए दोनों तरफ से। और इसी तरह हम पिड़किया के दूसरे बैच को भी चाशनी में ऐड कर देंगे और इस तरह से पलट कर पिड़किया के दोनों साइड हम चाशनी से कोट करेंगे। और अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो उसे एक बार गर्म करें और गर्म करने के बाद उसमें ऐड करें पिड़किया। 5 मिनट चाशनी में रखने के बाद हम पिड़किया बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए, तैयार है होली स्पेशल जूसी सॉफ्ट रंग बिरंगा पिड़किया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। और अगर आप चाशनी वाली पिड़किया नहीं बनाना चाहते हैं तो केवल चाशनी में ऐड नहीं करें, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। और इस होली आप ये पिड़किया ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी पिड़किया कैसी बनी है।